6 सितंबर 2017 सन से आए हुए इस तूफान ने फ्लोरिडा में करीब 200 लोगों की जान ले ली, पर आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल 2017 में फ्लोरिडा में एक सुनामी आई थी जिसने इमारतों को मिट्टी में मिला दिया था, और अब इस आपदा से लोगों की जान बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सही सलामत इस सुनामी से बाहर निकालने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान एक ऐसी मुसीबत ने दस्तक दी जिसने पूरे फ्लोरिडा के रेडियो कम्युनिकेशन को ही ठप करके रख दिया। इन शॉर्ट, टोटल रेडियो ब्लैकआउट, और ये मुसीबत थी सन से आए हुए सोलर विंड्स। इससे हुआ ये कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स ना होने की वजह से नेशनल गार्ड सही से एक्शन नहीं ले पाए और 200 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब इन सोलर विंड्स पर रिसर्च की गई ना, तब ये बात सामने आई कि सोलर विंड्स का पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराना काफी आम बात है। हर दिन कई सारे सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराते रहते हैं, और आप मानोगे नहीं, लेकिन लास्ट सोलर फ्लेयर इसी साल 4 जनवरी को पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराई थी। उस टकराव का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसने पृथ्वी के आसपास घूम रहे सैटेलाइट्स के ऑर्बिटल पैथ को ही डिविएट कर दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में टोटल ब्लैकआउट हो गया। अब इस हादसे के बारे में सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोलर विंड्स की तबाही की चरम सीमा है, तो यहां पर आप बिल्कुल गलत हो। जरा इसे सुनिए। सुनने में किसी लो फ्रीक्वेंसी सीटी की तरह लगता है, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू, अगर ये लो फ्रीक्वेंसी वेव पृथ्वी से टकराई ना, तो नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। आपके घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और साथ ही जगह जगह पर लगे बिजली के खंभे मिनटों में ही जलकर राख हो जाएंगे। इन शॉर्ट, अर्थ पर ब्लैकआउट होगा, विच विल बी एन इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट, क्योंकि इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पावर ग्रिड के लो फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगेगी। और अब जैसे ही ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच होंगी, वैसे ही पावर ग्रिड में एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होगा और एक बड़ा धमाका होगा। एंड यू नो व्हाट, इस धमाके का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? वेल, हॉस्पिटल्स पर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं हॉस्पिटल्स में कई सारे पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पर होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो वेंटिलेटर्स पर रखे हुए पेशेंट्स की हालत बिगड़ती जाएगी और अल्टीमेटली उनकी मौत हो जाएगी। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में तो जनरेटर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल्स में जनरेटर्स होते हैं, वो मैक्स टू मैक्स सिर्फ 8 घंटों के लिए ही ऑपरेशनल होते हैं, और हम जिस ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं उसमें उन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ही ठीक करने के लिए करीबन 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। इस ब्लैकआउट की वजह से एक्सीडेंट्स का भी काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं, और ऐसे में हर रास्ते पर प्रॉपर सिग्नल ना होने की वजह से ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स का काउंट बढ़ने लगेगा। लेकिन अब इन एक्सीडेंट्स के काउंट बढ़ने के पीछे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही हाथ नहीं होगा। जरा इसे सुनिए। ये आवाज जो जितनी डरावनी सुनाई दे रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि इसके पृथ्वी पर पहुंचते ही कुछ ऐसा हाल होगा। Exactly, हमारा इंटरनेट ही बंद हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वेव्स पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को चीरते हुए सभी सैटेलाइट्स को चुटकियों में तबाह कर देगी, विच विल लीड टू वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, अल्टीमेटली लीडिंग टू इंटरनेट आउटेज। अब अगर इंटरनेट ही नहीं रहा, यानी कि GPS नहीं, एंड अगेन एक्सीडेंट्स। सो फ्रेंड्स, अब इतना सब सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ये सोलर विंड्स वाकई में हमारे लिए और हमारे पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। अब इनसे अगर हमारे पृथ्वी को बचाना है तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, इन सोलर विंड्स को कैसे भी करके हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से रोकना हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नासा ने 12 अगस्त 2018 को दुनिया का सबसे एडवांस पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था। इसने अपने लॉन्च के सिर्फ 3 महीनों में ही सन के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया। यहां तक कि नासा ने 14 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया कि PSP सन के कोरोना में जाकर वापस लौट चुका है। माइंड यू, वही कोरोना जिसका तापमान सन के सतह से भी लगभग 200 गुना ज्यादा है। अब आई नो आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोरोना और सन के सरफेस के बीच में 74 लाख से लेकर 1 करोड़ किलोमीटर जितनी दूरी है, फिर भी सन का सरफेस टेम्परेचर कोरोना से कम आखिर कैसे है? वेल, एग्जैक्टली इसी सवाल के जवाब के लिए नासा के साइंटिस्टों ने इस मिशन को लॉन्च किया था। लेकिन अगर मैं थियरीज की बात करूं ना, तो साइंटिस्टों के अनुसार ये सारा खेल सन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर्स फोटोस्फीयर में हो रहा है। ये देखो, ये है सन के डिफरेंट लेयर्स, जिसमें से ये है फोटोस्फीयर जिसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दरअसल होता ये है ना, सन का हाई प्रेशर और टेम्परेचर हाइड्रोजन और हीलियम के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देता है, जिससे सन के फोटोस्फीयर में पॉजिटिव नेगेटिव आयोन्स का गरम गरम सूप बन जाता है, विच इज नथिंग बट प्लाज्मा।
अब क्योंकि सन की ग्रेविटी ज्यादा है और इसीलिए इसकी मैग्नेटिक लाइन कुछ इस तरह अपने आप में ही टैंगल हो जाती है। पर असली तबाही का मंजर इसके बाद शुरू होता है। अब जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस आपस में ही उलझ जाते हैं, उसमें मैटर ट्रैप हो जाता है। कभी कभी ये मैटर ठंडा होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड्स बनाता है और सन के सरफेस पर प्लाज्मा की बारिश होने लगती है। लेकिन कभी कभी जैसे ही दो प्लाज्मा एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, उसमें एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी चिंगारियां सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पर जाकर पहुंचती है। और इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। लेकिन जरा इसे देखो, इस सरफेस को एल्फेन क्रिटिकल सरफेस कहते हैं। जब तक प्लाज्मा इस सरफेस के अंदर है, फिकर करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एल्फेन क्रिटिकल सरफेस के अंदर सन की ग्रेविटी का प्रभाव काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस बाउंड्री के अंदर प्लाज्मा फिर से सन की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन जब ये प्लाज्मा सरफेस बाउंड्री से बाहर आ जाता है, वो भयानक सोलर विंड्स का रूप ले लेता है, जिससे होने वाली तबाही हम पहले ही देख चुके हैं। और इसीलिए ऐसी ही कुछ हालत पार्कर सोलर प्रोब की ना हो, इसीलिए उसे काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया। उसके फ्रंट में कार्बन कॉम्पोजिट शील्ड फिट किया गया, जिसका काम है इंस्ट्रूमेंट्स को हाई टेम्परेचर से बचाना। इसी शील्ड की वजह से अगर उसके सामने का टेम्परेचर भले ही 2500 डिग्री सेल्सियस पार क्यों ना हो, इसके पीछे का टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री ही रहेगा, मतलब हमारे रूम टेम्परेचर जितना। और इसीलिए सारे सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इसी के पीछे फिक्स किया गया है, जिससे उनके डैमेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इनफैक्ट इस पावरफुल शील्ड की वजह से ही PSP सन के इतने करीब होने के बावजूद भी हमें इमेजेस और साउंड्स भेज पा रहे हैं। सो इन इमेजेस और साउंड्स को कैप्चर करने के लिए इसमें कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए, जैसे वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब या विस्पर, जो कि एक कैमरा है जो CME और सोलर विंड्स को भी इजीली कैप्चर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट फील्ड्स। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसने सन से आ रहे साउंड्स को कैप्चर किया। लेकिन एक मिनट, स्पेस में तो वैक्यूम है राइट, तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट ने सन के साउंड को कैसे रिकॉर्ड कर लिया? देखो, ये है फील्ड्स के अलग अलग पुर्जे। सो होता ये है ना कि सबसे पहले इस पर लगाए हुए ये 5 एंटेनास सन से आ रहे सोलर विंड्स और CME को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हाईली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स सन की मैग्नेटिक फील्ड को 3D में स्टडी करते हैं। ऐसे में जब प्रोब दूर होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, जिसे डिटेक्ट करने वाला ये वाला पार्ट मैगी ऑन हो जाता है। और वहीं पर जब प्रोब सन के पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, जिसे डिटेक्ट करने के लिए मैगो ऑन हो जाता है। देन इसमें लगा हुआ सर्च कॉइल मैग्नेटोमीटर SCM मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है ये मेजर करता है। एंड लास्टली, जैसे ही सभी सेंसर से डेटा कलेक्ट हो जाता है, उसे ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ट्रांसमीटर से होते हुए नासा के बेस स्टेशन में सेंड कर दिया जाता है। और इसी डेटा को फिर ऑडियो स्पेक्ट्रम में प्लॉट करके यानी कन्वर्ट करके साइंटिस्ट ने प्लाज्मा वेव्स की मदद से साउंड को रिकॉर्ड कर लिया। स्पेस में कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो फिर साइंटिस्ट इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये साउंड सोलर विंड्स के ही पार्टिकल्स का है? Well, by using Integrated Science Investigation of the Sun, ISOIS. तो देखो कितना स्मार्टली किया गया है। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स है, EPI LO जो लो एनर्जी सोलर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, और दूसरा EPI HI जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, इन्हीं पार्टिकल्स को और भी स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए नासा ने इसमें सोलर विंड इलेक्ट्रॉन अल्फाज एंड प्रोटॉन्स स्वीप नाम का एक और एक इंस्ट्रूमेंट भी फिट किया है, जो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर तक को मेजर कर सकता है। सो इससे क्लियरली हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। पर फ्रेंड्स, पार्कर सोलर प्रोब का पोटेंशियल सिर्फ सोलर विंड्स और CMEs तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट हम सोलर एनर्जी से निकली हुई प्लाज्मा वेव्स को हाई एनर्जी फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। MIT ने तो इस पर एक रिसर्च भी चालू कर दिया है। उनके साइंटिस्टों का यह मानना है कि प्लाज्मा वेव्स को स्टडी करके हम अर्थ पर ही एक मैन मेड स्टार बना सकते हैं, और उससे निकलती हुई रीन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हम अर्थ के फॉसिल फ्यूल्स को भी बचा सकते हैं उनको रिप्लेस करके। इनफैक्ट जर्मनी ने ऑलरेडी अपना एक आर्टिफिशियल सन सक्सेसफुली बना भी लिया है। अब वो कैसे और आर्टिफिशियल सन का फ्यूचर क्या होने वाला है हमारे अर्थ में, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। आपको चेकआउट करना है तो यहां पर क्लिक कर सकते हो उसे देखने के लिए। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram GauravZ Thakur, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।